क्या आपका भी HDFC बैंक में अकाउंट है? तो आपको बता दें कि 1 सितंबर से बदलने जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड के कुछ नियम। वैसे तो HDFC बैंक ने 1 अगस्त से ही क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए थे, लेकिन अब यूटिलिटी ट्रांजैक्शन और एजुकेशन पेमेंट के रूल्स में फिर से बदलाव किया गया है। देखिए, इसके चलते आपको यूटिलिटी ट्रांजैक्शन पर हर महीने सिर्फ 200 रिवॉर्ड पॉइंट ही मिलेंगे। इसके अलावा एजुकेशन पेमेंट पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिए जाएंगे। इससे पहले कई बैंकों ने पर्सनल कार्ड का कमर्शियल और बिजनेस ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल रोकने के लिए नियमों में बदलाव किया है। HDFC बैंक ने क्रेडिट कार्ड पर 1 अगस्त से कई नए नियम बदले थे, जिसके अंदर 50,000 से ज्यादा की यूटिलिटी ट्रांजैक्शन करने पर 1% फीस देनी होगी। इसके अलावा बिजनेस कार्ड पर ये ड्यूरेशन 75,000 रुपए पर ट्रांजैक्शन पर की गई है। हालांकि इंश्योरेंस बिल को यूटिलिटी ट्रांजैक्शन नहीं माना गया है। अब 1 महीने में मिलने वाले मैक्सिमम पॉइंट की सीमा भी तय कर दी गई है। साथ ही मोबाइल और केबल बिल पर भी 1 महीने में 200 रिवॉर्ड पॉइंट की कैप लगा दी गई है। बैंक ने जानकारी दी कि कई मामलों में लोगों ने पर्सनल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बिजनेस से जुड़े ट्रांजैक्शन करने में किया है, साथ ही दूसरे लोगों के बिल भरकर भी रिवॉर्ड पॉइंट कमाए जा रहे हैं। इससे पहले खर्च के आधार पर मिलने वाले ऑफर का लाभ भी मिल जाता था। अब रिवॉर्ड पॉइंट पर लिमिट लगने के बाद क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही HDFC बैंक ने क्रेड, पेटीएम, चेक और मोबीक्विक जैसी थर्ड पार्टी ऐप के जरिए एजुकेशन पेमेंट्स करने पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा। हालांकि स्कूल या कॉलेज की वेबसाइट या फिर POS मशीन से सीधा फी पेमेंट करने पर रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे। वहीं फी पेमेंट पर 1 अगस्त से लागू हुए नियमों के तहत थर्ड पार्टी ऐप से हुई ट्रांजैक्शंस पर 1% फीस वसूली जा रही है। तो अगर आप भी हैं HDFC बैंक के कस्टमर, तो आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइफ को अभी सब्सक्राइब कर लें। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल ABP Live Premium।